एक कॉल ले लेते हैं। हेलो, हेलो, नमस्ते गुरु जी। जी भगवान सुखी रखे। कौन? मैं अमन अग्रवाल बोल रहा हूँ, कानपुर से। कानपुर से। जी अग्रवाल जी बताइए। जी गुरु जी, मैं अपना डिटेल्स बताऊँ तो आपको टाइम और डेट क्या है मेरा? जी जी, मैं डेट ऑफ बर्थ है 24 अक्टूबर 1992। 24/10/92 समय 7:14 शाम का, कहाँ का जन्म है? कानपुर, कानपुर का। उत्तर प्रदेश। जी हमारे इस कार्यक्रम को कब से देख रहे हैं आप अग्रवाल जी? जी सर, ये 3 से 4 महीने हो गए। जी 3-4 महीने। क्या जी बात है, कैसा लगा ये कार्यक्रम अग्रवाल जी? गुरु जी, बहुत अच्छा लगा। हम यही कोशिश कर रहे थे कि आपसे बात हो जाए, और आज लकीली मेरी बात हो गई आपसे। बहुत बहुत प्रयास कर रहे थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम का कि मुझे आपसे कनेक्ट करने का मौका मिला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, इसे शेयर करते रहें। अब आपकी कुंडली को जांचते हैं। जी अगर ये कुंडली सही है तो बड़ी माइनर बात है जो सब आप जानते हैं, जी बहुत सी माइनर बातें, पर एक माइनर बात है, वो बात हम आपसे अकेले में बता पाएंगे, इसमें नहीं बताएंगे, पर ठीक है, वो कभी अपन संपर्क कर लेंगे, आप समझ गए होंगे, ठीक है ना? जी तो इसको हम यहां नहीं खोलेंगे, नहीं बोलेंगे, राइट? जी उससे आप चिंता ना करें। दूसरी बात, अब ये एक माइनर बात यह है कि जो आप जानते हैं कि आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट बराबर साफ नहीं होता, ये कुंडली बताती, सही है? कुंडली जी गुरु जी, कभी कभी होता है सर। ये बताती 2017 से 19 के बीच आप बेहद परेशान थे, सही है? जी गुरु जी, बिल्कुल। क्या घर में अशांति और बीमारियां, परेशानियां कुछ ना कुछ लगी रहती हैं? जी गुरु जी, बिल्कुल बिल्कुल। मन आपका हमेशा भयभीत और सशंकित परेशान रहता है, जी गुरु जी, जी गुरु जी, ठीक है? कुंडली ये बताती है कि रात में चैतन्य और दिन में आप सुस्त रहते हैं। जी गुरु जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है गुरु जी। एक अनुभव आपने किया होगा, रात को आपको भय लगता है, मन भयभीत डरा डरा सा रहता है। जी गुरु जी, अभी कुछ टाइम से ही होने लगा है मेरे साथ, और आपको जैसे मैं कभी अंधेरे में बहुत सोता हूँ उससे पीछे, तो मुझे बहुत जैसे मैं चीखने लगता हूँ अंधेरे में रात में, कभी कभी पीछे हुआ था मैंने कोई देखा। जी हाँ, ये धीरे धीरे बढ़ेगी। आपको एक फोबिया फोबिया होता है, जी एक अंधेरे का फोबिया था। हाँ अंधेरे जी का फोबिया, जैसे एक अनजाना सा डर, एक फियर, एक भय का माहौल बना जी रहता है, सही बात है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो कुंडली तो आपकी सही है, और कुंडली के जी अनुसार पैसा आया राम और पैसा गया राम। जी गुरु जी, बिल्कुल। दूसरी बात, एक बात और है, कुंडली बताती है कि आप सवेरे सवेरे दरवाजे के आसपास डॉगी को कुछ खिलाते पिलाते हैं क्या? जीवन सुबह तो नहीं, मेरे पापा शाम को टॉमी को बिस्किट या कुछ भी जरूर खिलाते हैं रात के टाइम, शाम को। देखिए, आपके दरवाजे पर डॉगी जब जब आएगा, आपका धन तब तब जाएगा, खराब होगा, धन का नुकसान होगा। जी अच्छा आपके दरवाजे पर डॉगी, चाहे घर का हो चाहे बाहर का, डॉगी तो डॉगी है। जी, वो तो आजकल जमाना बदल गया है, गौ माता को कोई पूछता नहीं है, डॉगी का बड़ा सम्मान हो रहा है। किताबें फुटपाथ पर बिक रही हैं, जूते शोकेस में रखे हैं, समय बदल गया, उसमें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लोग समझदार हैं। पर यह है कि ठीक है, क्या कर सकते हैं, अब संसार ऐसा है। तो आप तो ऐसा करें कि दरवाजे के आसपास, पिताजी को बोल दें कि दरवाजे के आसपास रोटी ना दें तो कुत्ते की आदत दरवाजे पर बैठने की नहीं पड़ेगी, नहीं तो आपको नुकसान होगा। ठीक है दूसरी बात यह है कि वर्तमान में कर्म वैकल्य योग चल रहा है, जिसके चलते आपको हर कार्य में, हर कर्म में असफलता मिलेगी। जी गुरु जी, बिल्कुल सही बात यही हो रहा है मेरे साथ, तो ये पिछले 1.5-2 साल से आपके साथ घटित हो रहा है, सही बात है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और ये समय ऐसा चल रहा है कि आपकी गलती हो या ना हो, आपको बिना गलती के झूठे आरोप प्रत्यारोप लगा देंगे लोग, आप स्पष्टीकरण देते देते थक जाएंगे, पर कोई सुनने तैयार ना होगा। जी, गुरु जी बहुत बहुत बिल्कुल सही बात है गुरु जी, यही सब चीजें हो रही हैं हमारे यहाँ, हमारे साथ।
और कुछ एक और बात है जो आपकी इंटरनल है, उसके लिए कभी आप अलग से संपर्क कर लेंगे तो उस आपको एक लाइन में बता देते हैं, जो भी आपकी समस्या है, जी जो आप समझते हैं, हम समझते हैं और भगवान समझ रहे हैं, जी उसका समाधान आपका हो जाएगा। कोई घबराने की बात नहीं, जब आप संपर्क कर लेंगे 15-20 दिन में वो समस्या निपट जाएगी। जी गुरु जी बिल्कुल ठीक है, अब ये तो हो गई बड़ी जी महत्व की बात। अब जो जनरल बातें हैं जो आपको पूछना है वो आप पूछ लीजिए। गुरु जी हमारे सबसे समस्या हमारे यहाँ धन की है। हमारे पिताजी का जो व्यापार है वो धीरे खत्म हो चुका है। हम कोशिश बहुत करते हैं कि हमारी जॉब लगे और क्या कहते हैं हमें कोई डायरेक्शन देखे हम जिस तरह जाएं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। ना हम पढ़ाई पूरी अपनी कर पा रहे हैं, ना मैं कोई जॉब कर पा रहा हूँ, और ना और मैं कोशिश बहुत करता हूँ कि चीजों के लिए सफल नहीं हो रहे। मतलब हमारे घर में कर्जों के कर्जे बढ़ रहे हैं। मतलब समझिए हम लोग सिर्फ कर्जे में लगे हैं, अपनी अपनी पर्सनल वस्तुओं पे मतलब हमें कर्ज देना पड़ रहा है, हमें दूसरों से कर्ज देना पड़ रहा है। हमारे आय का साधन 0 है गुरु जी हमारे घर का। ये सबसे बड़ी समस्या है। इस वजह से आप समझ सकते हैं आय का साधन 0 है तो हम लोग के घर में कितनी अशांति फैली हुई है। ये बताइए कि आप कोई व्यापार वगैरह करते थे क्या? मेरे पिताजी का व्यापार है जी। नहीं, आपका नहीं है ना? नहीं मेरा नहीं है गुरु जी। तो उस व्यापारिक प्रतिष्ठान में आप बैठते थे क्या? नहीं मैं कभी नहीं बैठा, मैं कभी नहीं बैठा। मेरे पिताजी ने कभी बैठाने की कोशिश नहीं करी। उनका ये था कि मैं जॉब करूं हमेशा से, लेकिन मेरी जॉब भी नहीं लगी है आज तक। कभी कोशिश बहुत करी, पढ़ाई में भी मैं असफल रहा। मतलब मैं सब असफलताओं से गिरे हैं हम लोग, कर्म में असफलताओं में गिरे हैं हम लोग। देखिए, आपकी कुंडली में कुछ एक दोष है, वो हम आपको बता रहे हैं, जिसके कारण आप नुकसान उठाएंगे। जी आप मंदिर जाएंगे तो आपका भाग्य साथ नहीं देगा। ठीक है जी आप तीर्थ करेंगे या किसी को तीर्थ करा देंगे या किसी मंदिर में कुछ दान कर देंगे तो जी ठीक आप भारी नुकसान उठाएंगे। है कभी याद किया, आप कभी कहीं से लौट के आए हैं तो उसके बाद आपको रोग हो, खर्च हो, कर्ज हो, परेशानी हो, ऐसा अनुभव किया है? जी गुरु जी बिल्कुल। हम अभी तीर्थ गए थे, हम उज्जैन गए थे हम। हाँ लौटने के बाद हम हमारा हमें पैसे का इंतजाम हो गया था, लेकिन लौटते लौटते मुझे फिर कर्ज देना पड़ा जिससे मैं वापस आके अपनी चीजें सही कर सकूं। मुझे ठीक है, फिर कर्ज मतलब कर्ज देना पड़ रहा मेरे को। तो आपको तीर्थ यात्रा जो है सूट नहीं करती कुंडली के हिसाब से। जी दूसरी बात ये बताइए कि आपके जीवन में जो अव्यवस्था बाधाएं हैं वो हैं ऊपर सोने के कारण, ऊपर रहने के कारण। आप ये बताएं, क्या आप पहले ग्राउंड फ्लोर में, सॉरी, पहले आप भूतल में, मतलब जमीन में आप रहते थे और जी गुरु जी हम अभी भी जमीन ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं गुरु जी। नहीं, आप पूरी बात तो होने दीजिए, हम भी बात ही कर रहे हैं। जी 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 ग्राउंड फ्लोर में रहते थे, अब पहली मंजिल पर रहने लगे, तो आपने कहा ऐसा नहीं है। अब हम ये जी पूछते हैं, कभी आपने जमीन में सोकर देखा गुरु जी मतलब और पलंग पर सोकर देखा? थोड़ा ख्याल करें, बताएं कब आप जमीन में लगातार सोए हैं, फिर आप पलंग पर कब सोए हैं, कुछ याद करें। गुरु जी पहले क्या था कि जो पुराना घर था हमारा वहाँ पे हम जमीन पे सोते थे क्योंकि एक ही कमरे में एसी था हम लोग। तो मम्मी घर में मम्मी पापा ऊपर सोते थे पलंग पे, मैं जमीन पे मतलब सोता था पहले 10 महीनों। तो उसके बाद फिर जब हम नए घर में शिफ्ट हुए तो उन्होंने फिर पलंग मेरा कमरा हुआ उसमें एसी लगा, तो तब से घर पे परमानेंटली ऊपर सोते थे पलंग पे, वरना पहले मैं जमीन पे ही सोता। अब हम वही आपसे पूछ रहे हैं कि देखो, आपके ऊपर सोने से आपका भाग्य साथ नहीं देगा, अशांति होगी, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, रोग बढ़ेंगे, कर्ज बढ़ेंगे, तनाव बढ़ेगा। अब हमें सवाल का जवाब दो जो हम पूछ रहे हैं कि जब से आप पलंग पर सोने लगे, बड़ी माइनर बात है लेकिन ये आपको जी 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 शायद दूसरा ज्योतिषी नहीं बता पाएगा, ऐसा हमको लगता है जी कि जमीन पर जब तक आप सोते थे तब तक आपकी क्या पोजीशन थी, और जमीन के बाद जब आप पलंग पर सोने लगे तो अब आपके कर्जे की, बीमारियों की, परेशानियों की, कमर दर्द की, अस्थिरता की क्या पोजीशन, आप ही क्लियर करें, हम तो पूछ रहे हैं सर। गुरु जी
गुरु जी आपकी बात बिल्कुल सही है, आपका इशारा बिल्कुल सही है। जब तक हम पुराने घर में और नीचे सोते थे तब तक हम लोग बहुत खुश थे, मतलब सुखी थे। जब से हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए हैं, मैं मेरा अपना अलग पलंग हुआ है, कमरा हुआ है, तब से हम लोग बहुत ही परेशान हैं उस दिन से। गुरु अब आप बताएं हमारी जेब तो सही है कि नहीं, जी बिल्कुल सही है, गुरु जी कितने क्या बिल्कुल सही क्या है। परसेंट बोलेंगे, कितने परसेंट सही मानेंगे हमारी जो उसको। गुरु जी मैं उसको हाथ जोड़ के आपसे 100% सही मानूंगा, बिल्कुल हाथ जोड़ के और बहुत ही विनम्रता से 100% बोलूंगा, बिल्कुल सही है आपकी बात। तो अग्रवाल जी, यूपी का आदमी कानपुर का आदमी अगर हाथ जोड़ता तो मतलब बड़ी बात है कि भैया वो मान रहा है। तो देखो बेटा, सच बात यह है कि अब आप हमारी सलाह मानेंगे तो आप 15 दिन नहीं लगेंगे, आप फिर से सुखी होने लगेंगे। जी नियम बदलने, अब आप जमीन पर सोए पलंग पर नहीं, ठीक है, ठीक एक नियम बदलना है। है, ठीक तीर्थ यात्रा जितनी हो सके अवॉइड करें, बचें। ठीक है, कभी भी मामा पक्ष में, मामा जी का जो घर है जैसे ननिहाल कहते हैं, जी, ननिहाल में कभी भी किसी मंदिर में दान ना दें। तो आप लोहा ठीक या है, तांबा या ईंट पत्थर कुछ दान कर सकते हैं, ठीक आपकी कुंडली में ये वस्तुएं दान करने का योग बन रहा है तो इससे बचें। ठीक है। गुरु एक माणिक रत्न धारण करें। जी मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि मैंने इस टाइम अभी एक कहते हैं ये ओपल पहन रखा है और एक ग्रीन एमरल्ड मतलब पहन रखा है, ये दो मैं रत्न पहन रखते हैं अभी, ओपल और ग्रीन एमरल्ड क्या बोलते हैं उसको पन्ना, जी, पन्ना। पन्ना जी, पन्ना पन्ना तो कभी आपने माणिक पहना कि नहीं पहना? नहीं गुरु जी कभी नहीं कहना। गुरु माणिक पहनेंगे तो आपको माता का सुख, मकान का सुख, जीवन में स्थिरता का सुख, बहुत सी चीजें आपको मिलने लगेंगी। जी और सबसे पहली बात तो आपको अब कभी भी ऊंचाई पर नहीं सोना है, ठीक है, ठीक तो ये आप जमीन में ही बिस्तर लगाएं। है कभी भी जमीन, कभी भी मकान लेना जी, तो आप उसको ग्राउंड फ्लोर का ही लें, ठीक है गुरु जी। गुरु आप उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर इस पर स्थायी न रहे। जी मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि जैसे अब देखिए परेशानी होगी तो आदमी हर जगह भागते हैं, ठीक है, तो मैं तो हम क्या कहते हैं, हम अपनी कानपुर जी में कई एस्ट्रोलॉजर से मिले थे, मतलब एक तो उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी को मतलब ग्राउंड फ्लोर घर सूट नहीं करता, आपको ऊपर रहना चाहिए, और आप कह रहे हैं मुझे ग्राउंड फ्लोर पे रहना चाहिए, तो पंडित जी मतलब कैसे होगा गुरु जी में, नहीं, मतलब हम ये सवाल करते हैं, जी। आप उन ज्योतिषाचार्य जी का नाम कोट मत करिए, हम किसी का नाम नहीं चाहते, किसी का नाम हो। हम ये पूछ रहे हैं कि उनसे आप जब भी मिले, कब मिले, 2 साल पे आप उन्हें मिले होंगे, 2017 से 19 के बीच में, जी गुरु जी बिल्कुल और शाम के समय मिले होंगे, जी बिल्कुल सही बात है, और मेरे ख्याल से 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच मिले होंगे, पर्चा निकाल लो। गुरु जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही अब आप ये बताओ कि आप किसी ज्योतिषी से शाम को मिले कि सवेरे मिले, और 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच मिले, और 2017 से 19 के बीच मिले, जी, ये हम बता रहे हैं, और 1 मिनट नहीं लगा आपकी कुंडली से, ये हम बता रहे हैं। अब हम एक सवाल करेंगे आपसे, आप खुद बताएं, नाम मत लेना किसी का, पर जिन ज्योति एक्स वाई जेड जिस ज्योतिषी से भी आप मिले थे जी, उनका नॉलेज और हमारा ज्योतिष का नॉलेज, इसमें थोड़ा अंतर है कि नहीं? बिल्कुल गुरु जी बिल्कुल, आपने तो वो बातें बता दी, मतलब जो चीज सिर्फ हमें ही पता था या हम ही जान सकते थे, मतलब या मेरे घर वाले जान सकते थे, ठीक बहुत है, ही मायने चीज बता दी और गुरु जी आपके आपने। घर वालों ने तो कोई हमें बताया नहीं, ना हमारा कोई से परिचय है। ठीक है, गुरु जी पहली बार मेरे आपसे वार्तालाप हो रही है, ठीक पहली है। बार तो अब आप ये बताइए कि उन ज्योतिषाचार्य ने जो भी समाधान आपको बताया, उन्होंने कहा कि आपके पिताजी को जमीन वाला, भूखंड वाला मकान सूट नहीं करता, इसलिए प्रथम तल द्वितीय तल वाला कोई मकान बनाइए, राइट? जी, बिल्कुल उस मकान को बनाने के बाद आप या आपके पिताजी सुखी हुए, हाँ या ना, बताएं। नहीं गुरु जी मैं मकान बना ही नहीं पाए, क्योंकि हुआ क्या,
हम लोग जो नए घर में हम लोग ही ग्राउंड फ्लोर पे ही रह रहे हैं, तो नया घर बनवा ही नहीं पाए जब से भी परेशानियां चल रही हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो पाए, तो हम इसी में रह रहे हैं। नहीं, हमारे ख्याल से तो आपको इसी में रहना चाहिए जिसमें मैं रह रहे हैं। जिसमें ये बहुत पुराना मकान है क्या? बहुत पहले से आप इस मकान में? नहीं नहीं गुरु जी, हम इसमें 2019 में आए। अच्छा, तो ये अपना ही था कि किसी और का था? किराए का है? नहीं गुरु जी, ये फ्लैट है, अपार्टमेंट है, उसमें रह रहे हैं। कोई बात नहीं, आप इसमें मजे से रहिए, इसको बदलने की जरूरत नहीं। बस आप जमीन में सोना शुरू कर दीजिए, आप सुखी हो जाएं। ठीक है गुरु जी, बिल्कुल। और एक माणिक रत्न धारण कर लीजिए। गुरु जी पन्ना और जो मैंने ऊपर पहना है, इसको पहने होंगे नहीं? उतार दो। नहीं, ये तो आप पहने रहे, एक माणिक और पहन लें। ठीक है गुरु जी, बिल्कुल। ये पन्ना और ओपल पहनने के बाद जी, आपको कुछ नर्वस सिस्टम से, नसों से संबंधित शरीर में कुछ परेशानियां कमजोरियां थी, उसमें सुधार हुआ? हाँ या ना? गुरु जी मेरे माइग्रेन था मुझे। हाँ, उसमें तो क्या काफी सुधार है, माइग्रेन में, माइग्रेन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गई मेरी। चलिए बहुत अच्छी बात, नहीं होता जी। ठीक है ग्वालियर, धन्यवाद। गुरु जी बस एक चीज मुझसे मुझे पूछनी है, बस एक चीज मुझे बता। आप एक काम करिए, जो एग्जॉस्ट होते हैं ना फैन वगैरह जी, जो हवा को बाहर करते हैं वेंटिलेशन में, खिड़की में लगा जाते हैं एग्जॉस्ट जी, जी, इससे संबंधित या खाने पीने की वस्तुएं जो भी फूड आइटम है जी, जी, इनसे संबंधित किसी काम में संलग्न हो जाइए। कभी आपने नौकरी की है पहले? क्या किया था गुरु जी? मैंने नौकरी में नहीं कर, मैंने कभी नहीं करी। मैंने कहा तो सीएमए यूएस, मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी करी, मतलब मैं कॉमर्स स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा से, और मेरे घर वालों की हमेशा इच्छा रही है कि मतलब मैं जॉब करूँ, क्योंकि मेरे पिताजी का बिजनेस इतना सफल रहा है, उनको डर सा हो गया कि बिजनेस में कोई सफलता मिले ना मिले। पिताजी का व्यापार कौन सा व्यापार था पिताजी का? मेरे पिताजी के झूले बनाने का जी। झूले बनाने का जी, जी। तो ये भी आपको सूट करेगा, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, और ये जो एग्जॉस्ट वगैरह से संबंधित कोई काम अगर आप कर सकते हैं तो शुरू करें। ठीक है, ठीक है। और फूड आइटम, खाने पीने की वस्तुओं से संबंधित कोई आइटम, ठीक है, ये आप ठीक कर सकते हैं, इसमें आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, ठीक है। तो गुरु जी आप एक बस एक चीज मुझे एक बार समय में, मैं तो एक मिनट और लूंगा बस, मैं अभी समय लूंगा गुरु जी। मतलब ये मतलब इसलिए आप ये सुना सकते हैं, मतलब मेरे पिताजी का बिजनेस है, हम लोग की स्टेबिलिटी कब तक आएगी घर में, मतलब बहुत परेशानी हुई, मतलब मैं आप बता रहा हूँ पर्सनल खुद की चीजें गिरवी रखी हुई है हम लोग की, ये सब तक परेशानियां हैं सर जी की, कब तक की स्टेबिलिटी शुरू होगी? देखिए आपके, सुनिए, आप या आपके पिताजी जी, अब इस पर गौर करिए, हम बताते हैं जी, जी, आप या आपके पिताजी जब मूंगफली का ज्यादा सेवन करेंगे जी, आपके घर में मूंगफली का या चाय कॉफी का उपयोग ज्यादा होने लगेगा तो आपके पिताजी का व्यापार लुढ़कने लगेगा। पिताजी क्या मूंगफली वगैरह जो है वो ज्यादा शौक से खाते थे या आप शौक से खाते हैं? गुरु जी पिताजी को मूंगफली बहुत पसंद है, मतलब हद से ज्यादा। अब बताओ आप, ज्योतिष विद्या कितनी सटीक है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बिल्कुल, बिल्कुल। हम तो एक कुंडली से पड़ोसी के पड़ोसी तक का बता देते हैं। अब आप, आपके पिताजी ने जितनी मूंगफली ज्यादा खाई उनका व्यापार उतना लुढ़का। अच्छा ठीक है, ठीक है। सही बात है कि गलत है? बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो बहुत शौकीन है मूंगफली का, आए दिन मूंगफली जिस रूप में मूंगफली मिलती है वो ले आते। तो उनको मूंगफली कम खानी चाहिए या बंद करनी चाहिए? कभी कभार खाए चलेगा तो। और आपके पिताजी लगभग मूंगफली जनरली शाम के समय खाते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो ये शाम के समय की, हमने हमारे एक शिष्य हैं बिलासपुर में निशांत वैद्य करके, जी जी जी, बड़ा प्रिय बालक है, बहुत बहुत मेहनत करता है वो, हमारे बहुत साल से जुड़े हैं। तो वो
वो तीनों चारों भाई प्रशांत, सुशांत, निशांत, सिद्धार्थ, सभी लोग, पूरी टीम हमारी बिलासपुर की, संजय, गौरव, राजीव, सब लोग मेहनत करते। तो निशांत बोला कि गुरुदेव ज्योतिष तो आपकी बड़ी काबिले तारीफ है। तो जी, बिल्कुल बोल रहे हैं मान बोले, सर। हमने उससे कहा, हमने कहा बेटा अभी हम सिर्फ 25%, 25% हम अपने पत्ते ओपन कर रहे हैं। जिस दिन हम 100% पत्ते ओपन करेंगे उस दिन तहलका मचेगा। बोले कब करेंगे, हमने सही कहा बात, उसका भी समय सही आने बात है तक। गुरु जी। जी, तो कभी कभी लहर आ जाती तो कुछ कुछ बता देते हैं। तो आपके पिताजी को जो मूंगफली सेवन करते हैं, यह मूंगफली सेवन करना और कुत्ते को रोटी डालना, ये दोनों बंद कर देनी चाहिए। पिताजी कुत्ते को जो रोटी खिलाते हैं वो, और जी शाम के समय जो मूंगफली खाते, तो सुबह शाम मूंगफली ये ना खाएं या बचें, कभी कभार मूंगफली खा लें, और आप मूंगफली का सेवन ना करें। ठीक आप मूंगफली का सेवन करेंगे तो धन का बिखराव होगा, पिताजी मूंगफली का सेवन करेंगे तो इनका व्यापार धीरे 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 डंप हो जाएगा। है, बिल्कुल ही डंप हो रखता तो है, हमने, बिल्कुल ही समझ आपने में पूछा, जी बड़ी विनम्रता से बात की, तो हमने जी ये उत्तर दे दिया। और ये जी सुन के सभी को खुशी हो रही होगी भाई, सभी को अच्छा लगता कि इतनी रहस्यमय बात कैसे। तो ये सब भगवान की सही कृपा बात से, है, हमारे बिल्कुल हमारे गुरुदेव, हम आपको बता दें, हमारे ज्योतिष के या संसार के जीवन के गुरुदेव हैं भगवान शंकर। जी, बिल्कुल बिल्कुल वो हमारे इष्ट देव हैं, प्राणों के भी प्राण हैं, सावन का महीना है, उन्हीं की कृपा है। जी, उन्हीं कृपा की मुझे आपसे बात हुई गुरु जी, आज नहीं कृपा है गुरु जी। चलिए, आप संतुष्ट हैं पूरी तरह? जी गुरु जी, बिल्कुल हम संतुष्ट हैं, और आपको चरण स्पर्श गुरु जी, बहुत बहुत भगवान सुखी रखे, ठीक। धन्यवाद इसे, हाँ, अगर आप संतुष्ट हैं तो इसे अपने अपने वीडियो की क्लिप आप निकाल लें यूट्यूब से, और इसको आप अधिक से अधिक लोगों को बिल्कुल शेयर करें कि हमारी बात हुई। हमारा एक उद्देश्य अग्रवाल जी, हम चाहते हैं कि बिल्कुल दुनिया बिल्कुल माने कि ज्योतिष सही है। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी। एक चीज आपने अभी आप शुरू में आपने बोली थी कि आप कुछ बातें बताना चाह रहे, संपर्क करें, तो मैं जो नंबर आए उनसे संपर्क करी हूँ आपसे कभी। चलिए उस पर व्हाट्सएप जो हमारा 999 वाला, उस पर अपना नाम लिख दीजिए। क्या नाम आपका? अंकित अग्रवाल। बस अमन अग्रवाल लिख दीजिए। हम कुछ बात, आप ही बात करिए, उसमें कोई बहू बेटी बात ना करे, हम आपसे कुछ बात करेंगे तो व्हाट्सएप में बात बिल्कुल करेंगे, तो उसका उत्तर आप दीजिए। अगर वो सही है तो आपको समाधान बता देंगे, ठीक है ना? ठीक 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। देखिए, मूंगफली छोटी सी चीज है, लेकिन उसके खाने से बड़ा व्यापार। अग्रवाल, अग्रवाल यानी बड़ा व्यापार। जाहिर सी बात, अग्रवाल लोग छोटा काम करते नहीं, बहुत मेहनत करते, पैसा लगाते हैं, पैसा कमाते हैं, समय लगाते हैं। इनका व्यापार डंप हो गया, तो इसको कहते हैं भगवान महादेव की कृपा या ज्योतिष विद्या। तो आप लोग भी अपनी कुंडली का अगर इसी तरह विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप लोग भी हमारे दरबार में सम्मिलित हो सकते हैं। खाटू श्याम, घोंगा बाबा मंदिर, गोल बाजार बिलासपुर में लक्ष्मी जी का दिव्य अर्चन एवं दरबार लगने जा रहा है 10 एवं 11 अगस्त 2024 को। आप इसमें सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।